देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है एसएससी के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 जुलाई को। सो आइए हम लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ये देखिए आपका 22 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है एंड 15 अगस्त इसके लिए आपको लास्ट डेट रहने वाला है। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी मेंशन किया गया है, अक्टूबर 2023 में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और नीचे आने पे फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो है सैलरी मेंशन किया गया है। अगर आप सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में रहते हो तो आपको 35,400 टू 1,12,400 आपका सैलरी रहेगा। ग्रुप बी का पोस्ट रहने वाला है। एंड अगर दिल्ली पुलिस में आप करते हो एसआई का, मेल एंड फीमेल कोई भी कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे आपको लेवल 6 का सैलरी सेम ही मिलने वाला है। बस यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो हम लोग आगे देख लेते हैं और भी डिटेल्स। ये आपका जो टेनेटिव वैकेंसीज आई है उसके बारे में है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए है, यहाँ पे आपको एसआई इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए है। तो आप लोग इसको एक बार नोटिफिकेशन को खुद से अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पे आपको जो एसआई इन सीएपीएफ, मतलब कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और ओवरऑल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मेल और फीमेल का कितना कितना है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स रिजर्वेशन की डिटेल बताई गई है। सो चलिए अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी एंड सिटीजन में देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एज लिमिट दिया गया है कि एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023। और यहाँ पे आपको जो है एज का फुल डिटेल दिया गया कि कब से कब के बीच में आपका बर्थ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे और डिटेल देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में और भी बाकी जो मैंने आपको ओवरऑल डिटेल ऑलरेडी वीडियो में दे रखा है फुल वीडियो के मीडियम से, यहाँ पे मैं आपको बस नोटिफिकेशन दिखाना चाह रही हूँ। ये देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 15 अगस्त 2023 के पहले पहले अगर आपने डिग्री अचीव कर लिया है तो आप अप्लाई ज़रूर करना। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आप नीचे देख सकते हो बहुत सारी जानकारी जो है दी जाती है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है देख सकते हैं 100 रुपीज़ रहने वाला है। और आपको वीमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी एक्स सर्विस मैन से कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। एंड यहाँ पे देखो फ्रेंड्स आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया है। जैसा आप लोग देख सकते हो, पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल पीईटी आपका होगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ऑल जो है डिटेल यहाँ पे आपको बताया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये देखो आप पेपर 1 में आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जीके एंड जीएस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको पेपर 2 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का पेपर रहेगा। यहाँ पे आपको बताया गया कि एनसीसी सर्टिफिकेट होने पे आपको कितना मार्क्स का आप बेनिफिट मिलने वाला है। ये रहा फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो। और यहाँ पे आपको पीएसटी का डिटेल बताया गया है, हाइट और ये सब आप ना एक बार अच्छे से थोड़ा आउट रीड कर लेना नोटिफिकेशन को। एंड ये आपका पीईटी डिटेल्स है कि रेस कितना होना चाहिए, आपको कितना किलोमीटर जाना है, कितना मीटर जाना है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, फीमेल्स के लिए भी नीचे डिटेल दिया हुआ है। तो ये सब कुछ आप लोग फ्रेंड्स खुद से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। अदरवाइज मैं आपको अपने टेलीग्राम जो है ना ग्रुप, उसमें पोस्ट कर दूंगी, तो आप देख लेना।
तो फ्रेंड्स अब बारी आती है हाउ टू अप्लाई की। तो ये देखो रजिस्ट्रेशन वन टाइम फॉर्म का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार, तो यस और नो करना है। अगर आप आधार नंबर दोगे तो उसका नंबर इसमें फिल करना है। नो करते हो तो यहाँ पे दूसरा टाइप ऑफ आईडी पूछा जाएगा, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भी बहुत सारे, तो उस आईडी का नंबर यहाँ दे दोगे। यहाँ पे आपको आपका नेम फिल करना है जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में है, फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे। आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके यहाँ पे अपना, अगर यस करेंगे तो नाम फिल करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देना है। फादर का नेम आपको एज पर जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में है वो फिल करना रहेगा। देन आपको यहाँ पे मदर का नेम फिल करना रहेगा, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आपसे मैट्रिकुलेशन का डिटेल पूछा जाएगा, किस एजुकेशन बोर्ड से किया है उसको वेरीफाई करिए, रोल नंबर, फिर आप ईयर ऑफ पासिंग देंगे, आप अपना यहाँ पे जेंडर बताएंगे, देन आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब हाईएस्ट आपका कितना क्वालिफिकेशन है, मोबाइल नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मेल आईडी पूछा जाएगा और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके बाद आपको सेव कर लेना है, तब जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल जाता है। यहाँ पे आपसे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा आपको सेव करने से पहले। जैसे ही सेव करोगे ना तो सेकंड आपका पेज खुलेगा, उसमें आपका कैटेगरी पूछेगा, नेशनैलिटी पूछेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहेगा, आप क्या कोई आपके में पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स होंगे पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पे आप बताओगे, आपका एड्रेस पूछा जाएगा। फिर अगर आप कहीं और रहते हो तो वहाँ का एड्रेस दे सकते हो, परमानेंट एड्रेस आपसे फिर पूछा जाएगा। देन आप उसको सेव करने के बाद डिक्लेरेशन पे आप जो है क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आप जो है प्रीवियस पेज में मान लो कुछ गलती हो गया तो यहाँ प्रीवियस में जा सकते हो, या फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हो, फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे तो ये आपका खुल के आ जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन में क्या क्या दिया था। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप NCC आप कैंडिडेट हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, एग्जाम सेंटर आपसे 3 प्रीफ्रेंस पूछा जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक सर्विस मैन हो तो यस कर देना और उसका डिटेल बता सकते हो आप। देन फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है एज रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग जो है ग्रेजुएशन है तो आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ग्रेजुएशन आप पास हो या पियरिंग हो, किस साल पास किया, कोई से स्टेट से आपने किया, बोर्ड का नाम, तो ये सारा कुछ डिटेल आप लोग अच्छे से एक बार बता देना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखो आपका एड्रेस वगैरह सब आ चुका है। देन आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना होता है, आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके। देखो आपका जो फोटो है ना फ्रेंड्स वो आपको 20 KB टू 50 KB के बीच में अलाउ रहता है, और यहाँ पे मेंशन किया गया कि 23 अप्रैल 2023 के बाद का ही आपको फोटो देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो आप लोग ये सब अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही करिएगा। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है, फिर यहाँ पे आप प्रीव्यू करके एक बार चेक कर सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो फिर से उसको ठीक कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल्स बताए SSC CPO SI रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत है फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछना, अदरवाइज उसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियली आया है वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी और आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। सो चलिए फ्रेंड्स मिलूंगे आपसे फिर से न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।